स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रुदौली ट्रांजैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें। इस समय हम मौजूद हैं पटरंगा रेलवे स्टेशन पर और इस समय हम आपको रुदौली रेलवे स्टेशन से लेकर बाराबंकी जंक्शन तक डबलिंग की अपडेट दे रहे हैं, जिसमें पार्ट वन में मैंने रुदौली से लेकर रौजा गाँव रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताज़ा अपडेट दी थी। पार्ट टू में रौजा गांव से लेकर पटरंगा रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताज़ा अपडेट दी थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट थ्री, जिसमें आज हम आपको पटरंगा रेलवे स्टेशन से लेकर दरियाबाद रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताज़ा अपडेट देंगे। हमारी ट्रेन अब पटरंगा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले चुकी है और यहाँ पर देखिए जो पटरंगा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 था उसको खोदकर हटा दिया गया है और जो नया प्लेटफार्म है उसको पीछे शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक नई लूप लाइन डाली जानी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं रेल बेड को बनाने का कार्य पूरा है और यहाँ पर बैलास्ट को लाकर बिछा लिया गया है। जेसीबी मशीन लगी है प्लेटफार्म पर मिट्टी समतल करने के लिए और स्टेशन का जो नया भवन है वो पीछे हटकर बनाया गया है पश्चिम की दिशा में। पहले स्टेशन का भवन पूरब की दिशा में था। नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। इधर से देखिए प्लेटफार्म नंबर 2 पर लगभग कार्य 80% तक पूरे हैं। वहां अब इंटरलॉकिंग की ईंटें बिछाई जा रही हैं। लूप लाइन यहां पर डाली जा चुकी है और जो हमारा मेन ट्रैक है उसको भी आगे डाले जाने का कार्य पूरा है। यहाँ पर सिर्फ अब मेन ट्रैक को जोड़ा जाना है और जो हमारा कैंची डालने का कार्य होगा वो जब हम यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा तो उसके दौरान यहाँ पर इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कार्य हैं वो भी लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। यहाँ पर अभी वायरिंग होना बाकी है। कैंची बिठाने का कार्य बाद में होगा जब यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, जब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। और यहाँ से देखिए स्टॉपर लगा दिया गया है लेवल क्रॉसिंग के बाद। यहाँ पर अभी कोई कार्य नहीं हुए हैं दोहरीकरण से संबंधित, सिर्फ रेल बेड को बनाने का कार्य कंप्लीट है। और बगल में आप देख सकते हैं रेल बेड के स्लीपर को लाकर रख लिया गया है। नए जंक्शन बॉक्सेस लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल को फाउंडेशन में डालने का कार्य कंप्लीट है और उनको जगह जगह पर 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो कार्य बचा है वो कार्य है बैलास्ट को रेलवे ट्रैक तक पहुँचाना और जो हमारा रेल बेड बनाया गया है इस पर बैलास्ट को पहुँचाने के बाद बैलास्ट को बिछाने का कार्य शुरू होगा। और उसके बाद जो स्लीपर आप बगल में जगह जगह देख रहे हैं इनको मार्किंग करके बराबर डिस्टेंस से, जो हमारा पुराना ट्रैक है उससे डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस होती है उसको नाप कर उसके बाद जो हमारा नया ट्रैक आएगा उसके लिए मार्किंग की जाएगी। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पर ट्रैक को बिछाने का कार्य शुरू होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हैं जो बीच बीच में अभी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जैसा कि आपने अपडेट में पहले देखा जब मैंने रुदौली से रौजा गाँव रेलवे स्टेशन तक अपडेट दी थी तो उसमें भी जो हमारा शारदा सहायक नहर है वहाँ पर थोड़ा कार्य अधूरा था, मिट्टी की पटाई चल रही थी और उसके साथ ही वहाँ पर रेल बेड को तैयार किया जा रहा था। लगभग वहाँ पर 90% तक कार्य कंप्लीट हैं। उसके बाद जब मैंने रौजा गाँव रेलवे स्टेशन से पटरंगा रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की अपडेट दी थी तो उसमें जो हमारी जुड़वा शारदा सहायक नहर है उस पर भी रेल बेड बनाने का कार्य चल रहा था। और जो शारदा सहायक नहर है वहाँ पर जो हमारा एक पुलिया आती है उसको बढ़ाने का कार्य चल रहा है और मानकर चलिए कि वहाँ भी लगभग 90% तक कार्य कंप्लीट है। तो जैसा कि रुदौली से रौजा गाँव तक आपने देखा डबलिंग की जब मैंने ताज़ा अपडेट दी थी तो उसमें कार्य बहुत तेज़ी से हुए हैं। तो मान कर चलिए कि आप अगले 2 से 3 महीने में रुदौली से लेकर पटरंगा वाला सेक्शन पूरी तरह से खुलने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी से हुए हैं और लगभग सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेल बेड बनाने का कार्य है वो पूरा है, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल हैं उनमें देखिए क्रॉस बार लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। मान कर चलिए आप कि यहाँ पर अभी रेल बेड पर जो बैलास्ट बिछाने का कार्य होता है वही शेष है, बाकी यहाँ पर रेल बेड से संबंधित लगभग कार्य पूरे कर लिए गए हैं। और अब यहाँ पर बैलास्ट को लाया जाएगा डंपर के माध्यम से। अभी आपको दूर दूर तक कहीं भी बैलास्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसा कि अब हमारी ट्रेन दरियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए अभी इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जो पोल्स लगाए जाते हैं उनके लिए फाउंडेशन बनाने का कार्य चल रहा है। जैसा कि पीछे आपने देखा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पर आप देख सकते हैं मिट्टी की खुदाई करके फाउंडेशन बना लिए गए हैं। पुल पुलिया का निर्माण कार्य भी कंप्लीट है, यहाँ पर सिर्फ बैलास्ट बिछाने का कार्य यहाँ पर होना है और उसके बाद यहाँ पर ट्रैक को बिछाया जाएगा। इधर एक देखने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर अभी कहीं भी आपको जो स्लीपर होते हैं वो ट्रैक के किनारे नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो मान कर चलिए कि जो हमारा पटरंगा से दरियाबाद वाला सेक्शन है इस पर अभी टाइम लग जाएगा दोहरीकरण कंप्लीट होने में। यहाँ पर जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनको बहुत तेज़ी से निपटाया जा रहा है। जैसा कि अभी फोकस है कि रुदौली से जो रौजा गाँव और पटरंगा वाला सेक्शन है उस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कार्यों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए। और उम्मीद पूरी है कि जनवरी से लेकर फरवरी महीने तक वो पूरा सेक्शन खुल जाएगा, और इसके बाद आप मान कर चलिए कि सोहावल से लेकर हमारा पटरंगा तक पूरा सेक्शन दोहरीकरण का खुल जाएगा। अभी इस समय रुदौली से सोहावल तक दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट है और वहाँ नए और पुराने दोनों ट्रैकों पर ट्रेनें अपनी अपनी रफ्तार से लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और मिशन रफ्तार के तहत अब जब यहाँ पर दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा बाराबंकी जंक्शन से लेकर अयोध्या जंक्शन तक, तब मान कर चलिए कि यहाँ पर जो हमारी ट्रेनें लेट होती हैं क्रॉसिंग के कारण, और इसमें अब समय की बचत होगी। जब हमारा दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेनें अपनी अपनी दिशा में बिना किसी क्रॉसिंग के रफ्तार भरती हुई निकलेंगी, और जो सबसे पिछड़ा रूट माना जाता है ये हमारा लखनऊ से वाया अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर होते हुए वाराणसी वाला, इस पर ट्रेनों की रफ्तार अब बढ़ेगी। और आने वाले समय में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको भी इस रूट पर एक से एक लग्जरी प्रीमियम ट्रेनें देखने को मिलेंगी, नई नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। जैसा कि हाल फिलहाल में गोरखपुर से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत चलाई गई है, और अभी एक नई वंदे भारत का नोटिफिकेशन और आया है जो लखनऊ से वाया अयोध्या होकर फिर अयोध्या से जो हमारी ब्रांच लाइन है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज वाली, इससे होते हुए वाराणसी तक जो हमारे तीन प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए रेलवे अभी से तैयारी अपनी ज़ोर शोर से चला रहा है, और जो यात्री हमारे आएंगे अयोध्या रेलवे स्टेशन तक उनको अयोध्या के चारों तरफ उतारने के लिए प्लान किया जा रहा है। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन, भरत कुंड रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, और जितने भी अयोध्या ज़िले के रेलवे स्टेशन हैं उनको वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और नए नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिस कारण से ये आने वाले समय में बहुत ही VIP रूट हो जाएगा हमारा अयोध्या वाला। और यहाँ पर एक से एक इंटरसिटी पैसेंजर व मेल एक्सप्रेस ट्रेनें आपको नज़र आएंगी भविष्य में। तो जैसे ही यहाँ पर दोहरीकरण से संबंधित सभी कार्य कंप्लीट हो जाएंगे
वैसे ही यहाँ पर नई ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो यह थी छोटी सी अपडेट पटरंगा रेलवे स्टेशन से लेकर दरियाबाद रेलवे स्टेशन तक, और कल हम आपको दिखाएंगे दरियाबाद रेलवे स्टेशन से सैद खानपुर रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताज़ा अपडेट। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।